ओके हाँ, घर के बाहर जो गाड़ियों के पहियों के निशान थे, तो गाड़ियों के पहियों के निशान देखकर कुछ भी पता लगाना बड़ा कठिन था। तो पुलिस ने अड़ोस पड़ोस वाले व्यक्तियों से पूछा कि आपने रात के 2 बजे के बाद कोई गाड़ी यहाँ पर आती हुई देखी क्या, लेकिन किसी के पास से इनके बारे में कोई सूचनाएं नहीं मिली। इसके बारे में अब पुलिस डॉक्टर के बारे में सोचने लगी कि इनका कोई शत्रु तो नहीं है, कि शत्रु ने पैसों की मांग के लिए शायद इनका अपहरण कर लिया गया हो, लेकिन डॉक्टर साहब अच्छे इंसान थे, उनका कोई भी शत्रु नहीं था। दूसरी आशंका निकाली गई कि शायद किसी गुंडे या किसी डाकू का इलाज करवाने के लिए शायद डॉक्टर साहब को यहाँ से लेकर गए होंगे मिली, और इस तरह से एक अच्छे श्रेष्ठ डॉक्टर का, विद्वान डॉक्टर का गायब हो जाना यह पुलिस के लिए भी एक थोड़ी सी आशंका भरी बात थी, और लोगों के मन में भी इससे भय बैठा। इसलिए वर्तमान पत्र में यह खबर एक दिन ही दी गई, बाकी वह खबर दबा दी गई। कई महीने बीत गए, श्रीमती भटनागर दरवाजे पर वैसे ही आकर बैठ जाती रोज, वो पागल की तरह हो गई थी, और रोजाना वह नहा धोकर दरवाजे के पास में बैठ जाती और डॉक्टर का इंतजार करती कि डॉक्टर साहब अब आएंगे, कब आएंगे, और वह शाम तक वहीं पर बैठे रहती। कई महीने बीत जाने के बाद में उसी प्रकार के गाड़ी के पहियों के निशान आंगन में दिखाई दिए। यहाँ पर श्रीमती भटनागर जी ने तुरंत पुलिस को फोन लगाया, पुलिस का एक दल वहाँ पर आया, उन्होंने खोजबीन आरंभ की, तो डॉक्टर साहब के दरवाजे के सामने एक लिफाफा पड़ा था, और उस लिफाफे में एक सीडी बंद थी, और तुरंत उस सीडी को सुनने की व्यवस्था वहाँ पर की गई। तो तुम लोगों को कई करोड़ मील मैं दूर हूँ, और मैं यहाँ पर एक दूसरे सौर मंडल के ग्रह पर मुझे यहाँ पर अपहरण करके लाया गया है। मैं सोचता था कि वे हमारे ग्रह जैसे और कई ग्रह है कि जिन पर शायद मनुष्य वस्ती हो सकती है, और आज मैंने देखा कि यहाँ पर मनुष्य वस्ती है, और हमारे सूर्य की तरह कई प्रकार के सूर्य इस ब्रह्मांड में है, और हम यह भूल गए हैं कि हमारे जैसे कई लोग ब्रह्मांड में हो सकते हैं। इन लोगों ने कई प्रकार की उन्नति की, कई प्रकार के शोध इन लोगों ने लगाए, और वे यह लोग पृथ्वी से दूर तक जा सकते हैं, और किसी भी ग्रह पर यह आ जा सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि पृथ्वी के लोगों को मेरी इस बात से कुछ सबक लेंगे कि यहाँ के लोगों को अनेक प्रकार की परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है।